नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बालेश्वर है और मैं आप लोगों से आज एक एप्लीकेशन के बारे में बात करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना वायरस के चलते पूरा देश में लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन के चलते सभी को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उसमें से किसान भी हैं, व्यापारी भी हैं, ट्रांसपोर्टर भी हैं, आम जनता भी है। तो किसानों को या व्यापारियों या ट्रांसपोर्टर को एक थोड़ा सा राहत मिलने वाली खबर है। इसमें यह है कि एक किसान रथ नाम करके एक एप्लीकेशन केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है। इस किसान रथ में तीन आदमी या तीन व्यक्ति रजिस्टर कर सकते हैं, चाहे आप किसान हैं, चाहे आप व्यापारी हैं या ट्रांसपोर्टर हैं जिनके पास ट्रैक्टर कोई मालवाहक गाड़ियां हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इस किसान रथ को कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे आप उसका यूज करेंगे, यानी कि आप कैसे रजिस्टर करेंगे और कैसे आप गाड़ियां बुक कर सकते हैं, या आप ट्रांसपोर्टर हैं तो कैसे आप रिक्वेस्ट देख सकते हैं कि कौन किसान रजिस्टर कर रहा है या कौन किसान को क्या कौन सी गाड़ी का जरूरत है। तो उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, इस चैनल पर इंफॉर्मेशन रिलेटेड, करेंट इश्यूज के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज अपलोड किए जाएंगे। तो अगर आप उस तरह के वीडियो पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप अपने किसान भाई या कोई व्यापारी दोस्त है या कोई ट्रांसपोर्टर है तो उनको आप शेयर कर सकते हैं अपने ग्रुप्स में, फैमिली में। अब इस वीडियो को शेयर करें। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ मेरे मोबाइल स्क्रीन पे। धन्यवाद। ओके, तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको किसान रथ टाइप करना है। मैंने पहले इंस्टॉल कर रखा है इसलिए मुझे ओपन का इन्फॉर्मेशन दे रहा है। आप ये देख सकते हैं, ये किसान रथ ऐप है, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैं ओपन कर लेता हूँ। आपको कुछ परमिशंस मांगेगा, लोकेशन वगैरह का, आप उसको अलाउ कर दीजिए सब। उसके बाद मैं भाषा चूज कर लेता हूँ, यानी कि हिंदी। अब ये ऐप जो है बेसिकली तीन लोगों के लिए बनाया गया है, फार्मर, ट्रेडर, सर्विस प्रोवाइडर, यानी किसान, व्यापारी और जो गाड़ी या वाहन प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आपको पहले रजिस्टर करना होगा क्योंकि आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया होगा, तो रजिस्टर कर लीजिए। और यहाँ पर आप किसान चूज कर लीजिए। अगर आप पीएम किसान में रजिस्टर्ड हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो पे क्लिक करें। अपना नाम चूज करें, अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए और जनरेट ओटीपी क्लिक कर दीजिए। ओटीपी सेंड हो गया है, अब मुझे ओटीपी मिल जाएगा। ये आ गया ओटीपी। ओटीपी है, ओके। अब आप चूज कर सकते हैं रूरल यानी गांव है, अर्बन या शहरी क्षेत्र में आते हैं। मैं गांव चूज कर लेता हूँ। आप अपना स्टेट डाल सकते हैं, मैं अपना स्टेट डाल देता हूँ। उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट चूज कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट सपोज मैं चतरा चूज कर देता हूँ। गांव कोई सा भी चूज कर लीजिए आप, जो आपको अच्छा लगे। पता नहीं इसमें कहीं मिल नहीं रहा है। यस, ये रहा। अब इसको रजिस्टर कर दीजिए। अब ये देख सकते हैं सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया है। अब मुझे मेरा पासवर्ड मिल जाएगा। अब पीछे आकर के फिर से किसान चूज के, किसान के लिए आपने रजिस्टर किया था, अपना नंबर दीजिए। इसके बाद आपका जो पासवर्ड आया है वो पासवर्ड दे सकते हैं। पासवर्ड है, पासवर्ड दे दीजिए और साइन इन पे क्लिक कर दीजिए। अब एग्जिस्टिंग पासवर्ड पूछ रहा है। आपको पहली बार लॉगिन करने के बाद पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा।
तो आप जो पहले पासवर्ड आया था उसको यहाँ दे दीजिए। इसके बाद आप अपने हिसाब से कोई पासवर्ड रख सकते हैं। मैं अभी एक डिफ़ॉल्ट पासवर्ड रख लेता हूँ। मैंने पासवर्ड सेट कर दिया। ध्यान रहे कि ये 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। सो मिनिमम 8 कैरेक्टर होना चाहिए इसमें। एक कैपिटल, एक स्मॉल, एक नंबर, एक सिंबल डाल सकते हैं। अब सबमिट कर दीजिए। पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, पासवर्ड आपका चेंज हो गया है। अब यहाँ आ करके देख सकते हैं रिक्वेस्ट लिस्ट, पोस्ट लोड, फीडबैक, पासवर्ड चेंज। तो रिक्वेस्ट लिस्ट करना होगा आपको। सॉरी, आपका कोई रिक्वेस्ट अभी तक हुआ नहीं है। पोस्ट लोड, अब आपको यहाँ पे दिखाना होगा कहाँ से कहाँ आपको माल ढुलाई करना है, क्योंकि आपने किसान चूज़ किया है। आप फार्म से मंडी जा सकते हैं, मंडी से बाज़ार जा सकते हैं, या कोई फैक्ट्री में जा सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से, मान लीजिए आपको फार्म हाउस से, खेत से ले करके आपको बाज़ार यानी मंडी ले जाना है। उसके बाद आप क्लिक कर दीजिए नेक्स्ट पर। यहाँ पे स्टेट पूछेगा कहाँ से आपको ले जाना है। आप अपना स्टेट चूज कर लीजिए, आपका खेत कहाँ पड़ता है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, कौन सा ब्लॉक है। फिर से और कौन सा गांव है। कुछ एड्रेस डाल दीजिए। अब डेस्टिनेशन कहाँ ले जाना है, आप अपने स्टेट में जा रहे हैं तो सेम स्टेट चूज कीजिए, बाहर जा रहे हैं तो बाहर का स्टेट। सपोज मुझे अपना ही स्टेट में ले जाना है, उसका डिस्ट्रिक्ट चूज कर लीजिए, उसका भी ब्लॉक चूज कर लीजिए कौन सा तहसील में है, और उसका भी एड्रेस डाल दीजिए। नेक्स्ट उसका पिन कोड भी डाल दीजिए। अब ग्रुप कम्युनिटी क्या है, खाने पीने का सामान है, ड्राई फ्रूट है, फूल है, जंगल का कुछ प्रोडक्ट है, फल है, क्या है। सपोज मेरे पास दाल है, उसमें नाम डाल दीजिए। मान लीजिए चना है आपके पास, कितना क्विंटल, 1 क्विंटल है सपोज। कब से कब चाहिए आपको, आज से लेकर के मुझे 25 तारीख तक चाहिए, उसका डेट डाल दीजिए। इस बीच में मुझे गाड़ी का ज़रूरत है, कौन सा गाड़ी चाहिए आपको, छोटा बड़ा जैसा चाहिए आप इसमें से चूज कर सकते हैं। अब मैं छोटा गाड़ी जंबो चूज कर लेता हूँ। पार्शियल लोड रहेगा, फुल लोड आप इसमें चूज कर सकते हैं, कितना पूरा गाड़ी भर जाएगा आपका माल या आधा ही या खाली रहेगा। उसके बाद आप अपना नाम दे सकते हैं कॉन्टैक्ट पर्सन का। अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए यहाँ पे। अब इंक्वायरी यहाँ से सेंड कर सकते हैं, आपका इंक्वायरी सेंड हो जाएगा। उसके बाद मैं अभी सेंड नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ रिक्वेस्ट लिस्ट में जाइएगा, आपका रिक्वेस्ट आ जाएगा। वहाँ आप देख सकते हैं कि आपका रिक्वेस्ट पोस्ट हो चुका है, और कोई व्यापारी जिसके पास गाड़ी है वो आपको कॉन्टैक्ट कर लेगा मोबाइल के थ्रू, या एप्लीकेशन में ही आपका मैसेज आ जाएगा। इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर स्टिल आपको कोई जानकारी चाहिए या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।